कितना आगे बड़ा जमाना, फिर भी किस्सा वही पुराना, अब है नया संसार बनाना। पढ़ना है पढ़ाना है सबको साक्षर बनाना है, पढ़ना है पढ़ाना है सबको साक्षर बनाना। तो शोषण से लड़ना है, नया समाज हमें गढ़ना है, प्रगति की राह पर चलना है, सपनों को साकार बनाना है। पढ़ना है पढ़ाना है सबको साक्षर बनाना है। नमस्कार, हम फिर हाजिर हैं ज्ञानदीप के साथ। अगर आपको इसकी रोशनी का कमाल देखना है तो चलते हैं आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले में। साक्षरता की पहली दो मंजिलें यानी संपूर्ण साक्षरता और उत्तर साक्षरता तो इन्होंने बहुत पहले हासिल कर ली थी। अब ये सतत शिक्षा केंद्र जाते हैं, दुनिया की दूसरी खबरों से अवगत होते हैं, सामाजिक विषयों पर चर्चा करते हैं और मस्ती मनोरंजन के माहौल में आगे तरक्की करने की सोचते हैं। आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले में रहने वाले यादैया के लिए अखबार पढ़ना सिर्फ गांव, शहर या प्रदेश देश की जानकारी हासिल करना ही नहीं, अखबार पढ़ पाना इसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, जो इसने स्वीकारी और अब नए आत्मविश्वास से लबालब यादैया कहता है। अखबार पढ़ने से जो खेतों का और अक्षर साधन में क्या है और जिधर जिधर क्या हो रहा है और निराक्षर से क्या हो रहा है, हमको सब इसमें से अच्छा फल मिले सब। इसका फायदा क्या है इससे ये पूरी तरह वाकिफ है। हमको पहला अक्षर साधन नहीं आता था, अब जब ये अक्षर साधन शुरू हो गया, इधर से लाइब्रेरी चालू हो गया, जब से हम थोड़ा बहुत पढ़ने का सीखे। पत्रिका पढ़ने के शौकीन नव साक्षर किशोर राव के लिए भी पढ़ पाना सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास का साधन बना। किताब पढ़ने से इसमें ऐसे बहुत अच्छे अच्छे नए नए मालूम होते हैं, कहानियाँ पढ़ने से अपने को जीवन में क्या क्या आगे वो ये चल रहे मालूम होते हैं, इसके वास्ते अपन किताब पढ़ना चाहिए। ये रंगारेड्डी में चल रहा सतत शिक्षा केंद्र है, लोग आते हैं अपने हस्ताक्षर करके किताबें पत्रिकाएं लेते हैं, घर ले जाते हैं और पढ़ने के बाद मुस्कान बिखेरते फिर केंद्र पर आ जाते हैं। जिंदगी में कुछ उपलब्ध कुछ हासिल कर लेने की खुशी साफ लिखी है इनके चेहरों पर। सतत शिक्षा के लिए इस केंद्र में वे सारी गतिविधियाँ हैं जिसके लिए ये केंद्र स्थापित किया गया। पढ़ना सीखना चाहने वाले यहाँ आकर अक्षर साधना में जुट जाते हैं। नव साक्षर अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए आगे अखबार और पत्रिकाओं को पढ़ने की कोशिश करते हैं। कई नव साक्षर ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करते हैं, प्रेरक भी इस चर्चा को शुरू करते हैं और ये लोग चर्चा को आगे बढ़ाने में सहयोग देते हैं और यहाँ पर इनके लिए मनोरंजन के भी साधन है। यहाँ चल रहे बचत समूह में औरतें हर महीने पैसा भी जमा करती हैं। जहाँ रमा देवी ने ऋण लिया बहन के ब्याह के लिए, वहीं रहीमा बेगम ने अपने पर आई विपत्ति को टालने के लिए कर्ज लिया। कुछ तो मुसीबत है, शायद यही गरीब है उसमें कुछ किसको मुसीबत आए तो दे देती, काम निकाल ले। पैसे, वो भी अपने पैसे होना एक बड़ी उपलब्धि है। किसी के सामने जरूरत के वक्त हाथ न पसारने पड़े उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। किसी को हाथ पसारना नहीं पड़ता और बेटे को पूछना नहीं पड़ता, एक टाइम के खर्चा लाना भी नहीं पड़ता और अपना खुद का पैसा था, खुद ही बात होती है, कुछ भी चीज ले लेते हैं संसार में लगा लेते। और अब साक्षरता की बदौलत महिलाओं में भी काफी बदलाव आया है। आफ्टर लिटरेसी प्रोग्राम बनने के बाद महिलाओं जरा बाहर आके तैरना करने का जरा बात करने का उन को इम्प्रूवमेंट आया जरा उसमें। इसी फर्क को सतत शिक्षा केंद्र के अध्यक्ष वी ब्रह्मैया बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। फर्क में तो सब लोग अच्छा पढ़ लिया बच्चे, हम भी पढ़ने के बाद चेयरमैन बन के वो पेपर आ रहा है रोज लाइब्रेरी में, रोज पेपर आ रहा है, रोज वो 50-100 आदमी पेपर में पढ़ रहे हैं आके लाइब्रेरी में, और दूसरा किताब है भी नवाला वो भी है, सब लोग गाँव वाले पढ़ रहे हैं। वैसे निरंतर शिक्षा का आधार यही है। रंगारेड्डी में चल रहा सतत शिक्षा केंद्र एक मॉडल के रूप में है, जहां हर संभव कोशिश हो रही है कि हर तरह का विकास हो,
गांव का, समाज का और व्यक्ति का। वैसे किसी भी जगह के लिए सतत शिक्षा की मंजिल तक पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे देश में साक्षरता के आंकड़े बढ़ रहे हैं, पर फिर भी यहाँ 35% लोग अनपढ़ हैं। ज्यादातर लोग अनपढ़ इसलिए हैं क्योंकि इनका सारा दिन निकल जाता है 2 जून की रोटी के जुगाड़ में। पर फिर भी कोशिश की जा रही है कि ऐसे लोग जल्दी पढ़े लिखे, जिससे अपनी आर्थिक उन्नति के द्वार जल्दी खोल सकें। सूरज ढलने को है, पर इस बस्ती में काफी हलचल है। बस्ती नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इस जगह के साथ गरीबी और पिछड़ेपन की समस्याएं जुड़ी होंगी। पर ये हलचल इन लोगों के रोजगार की तलाश में भटकने की नहीं, वो काम तो ये दिन भर कर चुके हैं। अब ये महिलाएं यहाँ इकट्ठी हो रही है पढ़ना लिखना सीखने के लिए। वैसे तो जोधपुर को संपूर्ण साक्षर शहर मान लिया गया था, पर फिर भी पुराने शहर में किले की दीवारों से घिरे इन गरीब या निम्न आय वाले परिवारों की बस्ती में निरक्षरता की समस्या आज भी है। पढ़ना लिखना सीखना तो सभी चाहते हैं, पर मजबूरी है कि दिन भर निकल जाता है मजदूरी में और शाम घर के कामकाज और दुनियादारी की दूसरी जिम्मेदारियों में। पर इसी शाम के समय से वक्त निकालकर कांता रघवानी यहाँ ज्ञान का प्रकाश फैलाने में लगी है। ये क्लास भी मेरे को 3 महीने हो गए चला रहे हो, फायदा इसका है कि भाई मेरे को एक तो मन में शांति, मेरे को अगर कुछ काम आता हो या मेरे को कुछ है तो मैं लोगों को सिखाऊं और अपने जो भी मेरी इच्छा है सिखाऊं, इससे मेरा भी मन अच्छा होता है, उनके लोगों में बैठ के बहुत अच्छा लगता है। यहाँ अनपढ़ होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है। यहाँ पास में काम वाम करने जाती है ना, तो वहाँ ये साइन करना पड़ता था, अंगूठा छाप, अब कभी पेमेंट हुआ, अभी एक जगह इन्होंने काम किया था, अभी हमारे आज तो पेमेंट नहीं होता, जहाँ साइन होता है ना अंगूठे में, तो कोई अंगूठा छाप किया और पेमेंट उठा लो और साइन होगा तो साइन तो वो एक दूसरे के सिग्नेचर तो कोई कर नहीं सकता ना, तो इसलिए ये सोचता भी इससे एक फायदा तो हमें होगा ही। दूसरा क्या है, कहीं भी कोई भी काम हो काज हो तो बोलने में भी आसान, जैसे एक दूसरे से बातचीत करते तो बात करने का भी तरीका आएगा। और ये बात ये महिलाएं खूब पहचानती है। लक्ष्मी कहती है इसके साथ साथ साक्षरता से हो रहे फायदे से भी पूरी तरह वाकिफ है। पार्वती का मानना है कि अब हर कदम पर अटकते नहीं, कहाँ भी जाए तो अटके नहीं, कहाँ भी घर में कुछ काम तो छोटा बड़ा कर लें। तीजा भी इसी बात को दोहराती है, अनपढ़ है जो कहाँ जाते तो हम रुक जाते, तो हमारे पास फायदा ही है। पद्मा 2 कदम आगे का सोचती है, जाते हैं कहीं पे तो कभी गुम भी हो जाते हैं तो वहाँ पे देख के गाड़ी का नंबर भी देख लेते हैं, उससे फायदा तो है जे, और पढ़ने में घर की हालत में भी काम बढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ने में तो बहुत अच्छा है। लक्ष्मी के अनुसार साक्षर व्यक्ति अत्याचार से लड़ सकता है, कोई लड़की आगे बढ़ सकती है, और किसका पति ऐसे ही निकल जाता है तो उसको पीटता है, फिर पांव पे खड़ी हो सकती है। वैसे इस बस्ती के अनूठेपन को देखिए, इस खाली जगह पर ये क्लास चल रही है और पीछे एक तरफ आदमी मस्त है ताश खेलने में, दिन भर की थकान दूर करने के बाद ये सुस्ता रहे हैं। नाथूलाल यहाँ के बारे में बताते हैं, बस्ती के बारे में देखो ऐसा एक तो नई बार समाज विकास समिति बनी हुई है हमारे, उसमें सेक्रेटरी सचिव वगैरह सभी है, कार्यकर्ता भी है और वो लोग आगे काम भी करते हैं, और वैसे ये प्रौढ़ शिक्षण केंद्र भी चल रहा है, सिलाई केंद्र भी चल रहा है, और कई तरह के इस तरह से आइटम हम लोग भी 26 जनवरी 15 अगस्त को बच्चों को मतलब यहाँ झंडारोहण वगैरह करते हैं, गेम्स वगैरह करवाते हैं, सारी एक्टिविटीज करवाते हैं। इसी बस्ती में ललित कला राजपूत चित्रकला की क्लास चल रही है। बस्ती की नव साक्षरों से वो सीखने के पैसे नहीं लेती और चित्रकला सिखाते सिखाते जीवन से जुड़ी बातें, साक्षरता से जुड़े फायदे सभी बताती रहती है। चंद्रकांता अपने सीखने का कारण बताती है, फायदा है मतलब घर में भी कुछ कर सके भाई, अलबत्त बच्चों को भी सिखा सके घर में भी, और बेचेंगे तो कुछ पैसे भी आएंगे। जाहिर है साक्षरता से आए बदलाव इसके पीछे है, तो बहुत है मतलब पढ़ लिख के भी कहीं जाए तो भी साइन वन करना हो तो फट अंगूठा नहीं करे साइन कर दे, और मतलब कहीं बस बस में भी जाए तो भी नंबर हो तो भी पता लग जाए। तारा की छोटी उम्र में शादी हो गई थी, पढ़ नहीं पाई थी, पर अब पढ़कर घर का काम निपटा कर यहाँ सीखने आती है। घर में काम भी आते
कुछ आपने सौंप ही दिया थी। ममता इस प्रशिक्षण का फायदा यूं बता रही है। ऐसा है कि अगर किसी की शादी हो जाए फिर वो किसी का हस्बैंड कमाते हैं किसी की नहीं कमाते हो तो अगर कोई कुछ काम सीखा हुआ होता हो तो वो खुद कर सकती है और घर चला सकती है। ये दुनियादारी की समझ भी फैलते ज्ञान की देन है। वैसे यहाँ कई ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने की ख्वाहिश बचपन से थी पर मजबूरी वर्ष पढ़ नहीं पाए। इनमें है पुष्पा। ख्वाहिश थी मेरी पढ़ने की और कुछ बनने की। अब तो ऐसा अब कौन ऐसा पढ़ा सकता मेरे को। यानी कि अवसर मिलता सही वातावरण मिलता तो ये डॉक्टर बन सकती थी। पर अभी भी उत्साह है बड़े फख्र के साथ अपनी तारीफ करती है। मैं ये सिलाई करूं तो मेरे को कोई सिलाई करने दे तो मैं उसको बना के दे सकती हूँ। अपना आप कटिंग वगैरह सब अपना आप कर लेती हूँ और मैं दे सकती हूँ उनको सिल के फिर हमको वो पैसे दे देते हैं। पुष्पा प्रतीक है यहाँ आ रहे बदलाव का। आखिर शिक्षा के जरिए ही तो इंसान अपने अंदर छुपी ख्वाहिशों को पहचान सकता है और उन्हें रूप देने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। बोली बाली इन महिलाओं में एक विश्वास है कि ज्ञान का प्रकाश कुछ नया रंग लाएगा। साक्षरता के फायदे तो अनेक हैं, पर इसके सबसे बड़े दो फायदे हैं, आत्मविश्वास और कहीं ना कहीं इनकी आर्थिक प्रगति के अवसर ज्यादा सामने आते हैं। जगह जगह नवसाक्षरों को गठित करके योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से एक है छत्तीसगढ़ के अंजोरा इलाके में चलाए जा रहे दीदी बैंक। इन दीदी बैंक की वजह से महिलाओं में आए बदलाव की कहानी है ये, चलिए देखते हैं। ये महिलाएं आ रही है अपने दीदी बैंक की मीटिंग के लिए। ये नवसाक्षर है, नए आत्मविश्वास से आ रही है ये। कुछ वर्ष पूर्व यही महिलाएं यूं तैयार होकर अपनी मंजिल की ओर किसी मकसद के लिए घर से बाहर निकलने की सोचती भी नहीं थी। आज समूह में आती है और ये देखिए सुंदर तालाब के किनारे अपने समूह की मीटिंग की जगह पर जाकर बैठने की तैयारी में भी हाथ बटा रही हैं। पिछले डेढ़ वर्ष से इनके बीच चल रहा ये महिला बचत समूह कामयाबी की कहानी है। हर महीने ये महिलाएं 350 रुपया जमा करती थी और जाहिर है इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से वापस लेती थी। हम लोग पहले दीदी महिला मंडल में जुड़े, उसके बाद दीदी बैंक गठित हुआ और दीदी बैंक गठित होने के बाद सभी महिलाएं हर महीने साढ़े तीन सौ जमा करती है एक साल तक। उसके बाद 450 जमा हुए तो आगे बढ़ाए तो फिर उसके बाद सभी महिलाओं ने कर्ज लिया। मैं भी कर्ज ली मशरूम चलाने के लिए। प्रभा भाई कहती है फायदा बहुत है, करीब 700-800 फायदा हुआ है। ये ऋण हर तरह की जरूरत के लिए लिया जाता है। खेत में खाद वाद डालना पड़ता है तो इसलिए मेरे परेशानी हो गई थी तो मैंने लोन लेके अपने खेती करने के लिए लोन ली थी और उसका ये की हुआ खाद वगैरह डाल के धान उपजाए उसमें। पहले साहूकार द्वारा काफी ठगे जाते थे। पहले साहूकार लोग बोलते थे कि इतने प्रतिशत ब्याज में आपको हम लोन दे रहे हैं। उसके बाद फिर क्या है, पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं रहते थे तो जैसे भी बोलते थे उसके बाद में आ जाते थे। फिर इससे ब्याज उन लोग बढ़ा के भी ये कर देते उनसे अंगूठा वगैरह करवा के। तो इससे अब क्या है, अब खुद की महिलाएं जो हैं अब पढ़ी लिखी हैं कुछ साक्षर हुई हैं तो उससे हम लोग बहुत फायदा कि वो खुद अपनी जिम्मेदारी अपनी निभा सकती हैं उन लोग और अपनी ये से मतलब अपनी गठित किए हैं 15 महिलाओं ने दीदी बैंक का समूह का गठन किया है और उसमें उन महिलाओं को बहुत फायदा है। अपनी जरूरतों को उन लोग खुद ही पूरा कर सकते हैं। जैसे किसी भी चीज़ के लिए उन लोगों को ऋण लेने की जरूरत पड़ी तो किसी बाहर साहूकार के पास जाना नहीं पड़ता बल्कि अपनी संस्था से ही वे लोन उठा के फिर ब्याज में उसे पटाती हैं। इस तरह से हमें महिलाओं को बहुत फायदा हो रही है। सच में ऋण लेकर किसी ने शामियाना किराए पर देने का व्यवसाय लगाया और किसी ने मशरूम उगाने का। यहाँ की महिलाएं मतलब अपनी स्वयं के रोजगार के लिए बहुत काम कर रही हैं। कुछ महिलाएं शामियाना वगैरह का काम कर रही हैं और कुछ महिलाएं मशरूम का अपना ये करती हैं, वो कृषि एग्रीकल्चर से आते हैं। फायदा चौतरफा है, इनको बहुत ही फायदा हुआ है। पहली बात तो ये महिलाएं कभी बाहर निकलती नहीं थी और ये मैंने जब से बाहर आ गई हैं तो अपने आप में स्वयं पर निर्भर हैं। कोई भी चीज़ को घर से मांगना नहीं पड़ता, अगर अपनी इच्छा कोई होती है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो खुद अपने दीदी बैंक से ऋण ले सकती हैं। ये वाकई में यहाँ बदलाव का माध्यम बना। हमारी जितनी महिलाएं ग्राम की थी वो पहले पर्दा में थी, पर्दा प्रथा में थी। जब हम बाहर में आए महिला विभाग में सब जब से जुड़े हैं तब से मतलब अपना पर्दा प्रथा बंद कर दिए। और सही मायने में यही बदलाव यहाँ चले साक्षरता प्रोग्राम की कामयाबी है। अंजोरा गांव दुर्ग जिले में साक्षरता के कारण फैली जागरूकता की
अच्छी मिसाल है। यहाँ महिलाएं, आदमी, बच्चे, बूढ़े सभी में एक प्रकार का जोश है। सरपंच हेमंत देशमुख कभी अक्षर सैनिक के रूप में गांव वासियों के बीच में बैठकर अक्षर ज्ञान फैलाने का काम करता था, अब सरपंच चुना गया है। ऐसे में लोगों के बीच ज्ञान का प्रकाश फैलाना इसकी प्राथमिकता तो है ही। सरपंच में 13 दीदी बहन खोले, पर इससे आए परिवर्तन को ये यूं देखता है। पढ़े लिखे लोग जागरूक हुए और समझने लगे। हेमंत के अलावा टिकेश्वरी देशमुख भी है, ये भी अक्षर सैनिक थे, फिर कला जत्था के निदेशक बने, फिर गांव के काम में इतने मगन हो गए कि जनपद सदस्य बने और अब साक्षरता समिति के सभापति के रूप में गांव वालों को सतत शिक्षा की ओर ले जाने की कोशिश में है। जैसे समूह गठन होने से समूह का एक अलग फायदा ही होता है, क्योंकि हर गांव में 10-10-20 समूह या 5-7 समूह ऐसा कर सकते हैं गांव के हिसाब से। जब महिलाएं इस तरह से संगठित हुई हैं तो लीडरशिप में उनके जो नेतृत्व है उसमें काफी कुछ देखने को उनको मिल रहा है, और घर से लेकर के बाहर तक के हर चीज में एक अलग बदलाव उन लोगों में देखने को मिली है। खुद घर में भी वो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, जैसे अभी पैसे जमा करते हैं, जिसके पास पैसा मिल जाते होंगे तो उनके हाथ में पैसा आना शुरू हो गया है, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। वाकई में साक्षरता की कामयाबी यही है कि लोग यहाँ की ज्वलंत समस्याओं को लेकर जागरूक हो रहे हैं और उनका समाधान ढूंढ रहे हैं। लोग जागरूक हो, लोगों की जागृति जरूरी है ताकि वो अपने स्तर पर वो अपनी खुद संसाधन, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके और अपनी जो गांव की जो संस्कृति है, अपनी जो सभ्यता है, उनको पहचाने, समझे और उसकी संरक्षण संवर्धन ज्यादा जरूरी महसूस करते हैं अपन। इन्हीं उम्मीदों और आकांक्षाओं से बंधे ये लोग मिलजुल कर बैठते हैं, चर्चा करते हैं। महिलाएं पहले पढ़ने सीखने के लिए आती थी, अब दीदी बैंक की मीटिंग के लिए आती है और फिर गाना बजाना भी होता है। तरह मनोरंजन के साथ ज्ञान की ज्योति जलती रहे, यही कोशिश है अंजोरा में। इस तरह के किसी भी दीदी बैंक पे चले जाइए और पुरानी बातें याद करने को कहिए तो ज्यादातर लोगों का यही शिकवा है कि वे अनपढ़ थे तो 100 लोगों ने ठग जाते थे। हिसाब किताब न आने की वजह से हर तरह से उनका शोषण होता था। उत्तर पूर्वी इलाके में शिलोंग में अपनी दुकान से जीवन यापन करने वाली रजीना का भी यही रोना था। हिसाब किताब न आने की वजह से अक्सर लोग उन्हें ठग जाते थे। अपनी छोटी सी चाय की दुकान तो रजीना शब्बो काफी समय से चला रही है। ये खुश मिजाज, काम में चुस्त, ईमानदारी से दुकान चलाती है, इसीलिए दुकान भी बाजार के ग्राहकों के बीच लोकप्रिय थी। पर रजीना को रह रहकर एक कमी का एहसास होता था। चूंकि ये पढ़ी लिखी नहीं थी इसीलिए हिसाब किताब ठीक से नहीं रख पाती थी। कितना सामान खरीदती थी और कितना कमाती थी उसका हिसाब किताब बराबर नहीं रहता था। फिर उसके मित्र, सहयोगी दुकानदार जरूरत पड़ने से इससे कर्जा भी लेते थे। अपने दिमाग में मोटे तौर पर दी गई रकम को वो याद तो रखती थी, पर जब वापस पैसा मांगने का वक्त आता था तो जो रकम उसकी सोच में रहती थी वो नहीं मिलती थी। रजीना अपनी बहन शिक्किन शब्बू के साथ ये दुकान चलाती थी। फिर जब कर्ज दिया पैसा समय पर वापस नहीं लौटाया जाता था या लेने वाले लोग उसकी निरक्षरता का फायदा उठाकर उसे कम पैसा लौटाते थे तो उसने कर्ज देने का काम बंद कर दिया। सोचा सुकून मिलेगा, पर नहीं, इसकी दुकान के कई ग्राहक उसे छोड़ गए। उन्होंने उन दुकानों पर चाय लेने के लिए जाना शुरू कर दिया जहां उन्हें ऋण आसानी से मिल जाए। ये बातें दोनों बहनों को चुभ गई। फिर जब पता लगा कि एक स्वयंसेवी संस्था साक्षरता क्लास चलाती है तो इन्होंने वहां जाना शुरू कर दिया। रजीना को बचपन में स्कूल जाने की तमन्ना थी पर जा नहीं पाई थी। क्लास का पता भी संस्था के लोगों से लगा। वर्ल्ड विजन संस्था ने इस इलाके में एक सर्वेक्षण करवाया कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं और कितने अनपढ़।
निरक्षरों का फिर संस्था वालों ने अपने यहाँ आकर अक्षर ज्ञान देने के लिए प्रेरित किया। ये दोनों बहनें भी क्लास में जाने लगी। इस क्लास की एक अनूठी बात ये थी कि यहाँ पर एक शिक्षक नहीं था, दो दो शिक्षक थे। दोनों शिक्षकों के बीच वो हर विद्यार्थी पर ध्यान देते थे। मिचिला थबन जो एक सरकारी मुलाजिम भी है कहती है कि ये इलाका पिछड़ा था। यहाँ लोगों को साक्षर बनाने के अलावा कोशिश है उनमें आत्मविश्वास जगाने की, बचत और दूसरी बातें सिखाने की, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरे। यहाँ आ रहे विद्यार्थियों को पढ़ने के फायदे दिख रहे हैं। शबांग बहनों ने अब अपनी चाय की दुकान, जिसमें वो खाने पीने का सामान भी बेचती है, उसमें भी सुधार किया है। साफ सफाई पर विशेष ध्यान है, खाने की चीजों की गुणवत्ता पर भी ध्यान है, और ये प्रयास ग्राहकों से छुपा नहीं है। स्कियन शब्बू कहती है अब ये लिखकर हिसाब रख पाती है, अब ग्राहक इसका शोषण नहीं कर पाते, इसकी निरक्षरता का फायदा नहीं उठा पाएंगे। अब अगर कोई ग्राहक दो दो तीन तीन महीने पैसे नहीं लौटाता तो वो उसे याद दिलाने के लिए उसे लिखित हिसाब दिखा देती है। वैसे इनके ग्राहक भी खुश है। जिम वारखा कहते हैं, पहले मैं इधर में खाता, पहले मैं तो बाद में ये दुकान में बीच में बंद हो गया। अब ये ऐसा एक दो महीना में तो हमारे लिए में तो तकलीफ हो गया, मतलब दूसरा दुकान में खाने ने मतलब काश देने पड़ेगा, तो हमारे लिए एकदम तकलीफ मिले। अभी पैसा नहीं होगा तो खाने नहीं मिलेगा, तो फिर मैं अभी और ऐसा 5-6 महीने के बाद में ये जो दुकान खोला हो गया, तो इसलिए मैं फिर आया इधर में खाना के लिए। तो मतलब कौन का दुकान में तो अभी मैं क्रेडिट भी मिलेगा, मतलब महीने के बाद में पैसा देगा भी होगा। वैसे साक्षर होने का फायदा शब्बू बहनों के अलावा सीना खुमरेड भी उठा रही है। ये भी सड़क किनारे पान बीड़ी सिगरेट की दुकान चलाती थी। इसकी समस्या भी वही थी जो निरक्षरता से जुड़ी थी। लोग इसकी सादगी और लाचारी का फायदा उठाते थे, पर जब से शाम ढले ये दुकान बंद कर साक्षरता कक्षा में आने लगी, ये खुद अपने आप में एक बदलाव देख रही है। आत्मविश्वास के साथ अब ये हिम्मत जुटा पाई है अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की। साक्षरता का संदेश सबके बीच क्या फैल रहा है, सभी में तमन्ना जग रही है जिंदगी में आगे बढ़ने की। ये यहाँ एक नई सुनहरी सुबह का सूचक है। साक्षरता का फायदा सिर्फ यही नहीं है कि जिंदगी की मुश्किलों से जूझना आसान हो जाता है, ये वो कुंजी है जो अनगिनत द्वार खोल सकती है। साक्षर होने के बाद लोग आगे बढ़ने की संभावनाओं पर विचार करने लगते हैं, उनके मन में कुछ कर गुजरने की उमंग भर जाती है। पर यह ज्यादा महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए है जो कभी घर की चार दीवारी से बाहर निकलते नहीं थे। ये साक्षर हो रहे लखनऊ का वो रूप है जो धीरे धीरे उत्तर साक्षरता कार्यक्रम की तरफ बढ़ रहा है। जिस आनंद और आत्मविश्वास से सान्या पढ़ाई करती है, उसी आत्मविश्वास से ये भी कहती है कि पढ़ लिख कर वो उन बड़ी बड़ी लड़कियों का स्कूल खोलेगी जिनके माँ बाप उन्हें बचपन में स्कूल नहीं भेजते। बचपन से भेजते नहीं माँ बाप, तो पढ़ी लिखे वो अनपढ़ होएंगी। हम सोचते हैं हम भी पढ़ जाएंगे तो हम बड़ी बड़ी लड़कियों का स्कूल खोल के उन्हें पढ़ाएंगे। हालांकि सान्या अपने गाँव की दूसरी महिलाओं और लड़कियों के साथ यहाँ गाँव के एक खुले मैदान में चलाए जा रहे साक्षरता केंद्र के जरिए जिंदगी के वो अनुभव सीख रही है जो अशिक्षा के कारण उसकी पहुंच से दूर थे। अब वो साइन करना भी सीख गई है और बताती है कि साइन भी कहीं पर वो ऐसे ही नहीं कर देती, बल्कि कागज को पढ़ने के बाद ही साइन करती है। कोई सरकारी काम हो, कोई भी काम हो, उसमें अंगूठा लगाना पड़ता है, ऐसे अपने साइन कर देंगे। और कोई चीज कोई आए हमसे उसमें जाली अंगूठा लगवा ले तो हम ऐसे पढ़ लेंगे, उसके बाद साइन करेंगे। शहनाज कहती हैं कि पढ़ लिख कर अपने परिवार को समझा सकते हैं। पढ़ाई से बहुत से लाभ हैं, जैसे हम अपने भाई बहनों को पढ़ा सकते हैं, अपने घर वालों को समझा सकते हैं, उन्हें अच्छी बातें बता सकते हैं। जबकि अफरोज कहती हैं कि पढ़ी लिखी औरत के होने से परिवार में झगड़े नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपने परिवार को समझा सकती है, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे उस परिवार में। और जब एक बार साक्षरता से हो रहा फायदा सभी को नजर आया तो बड़ी संख्या में महिलाओं की पढ़ाई में रुचि जगी। लालनगर गांव का ये केंद्र चला रही हैं सुरैया। गांव की वे औरतें जिन्हें कुछ नहीं आता
उन्हें पढ़ाना कोई आसान काम नहीं था। बरसों से पर्दे में रहने वाली महिला को खुले मैदान में बैठकर पढ़ाना भी किसी तरह के आश्चर्य से कम न था। लेकिन अपनी मेहनत और लगन से सुरैया ने ये असंभव सा काम संभव करके दिखाया। ये बताती हैं कि लोग महिलाओं को पर्दा प्रथा के कारण नहीं पढ़ाते थे। पर्दा प्रथा की वजह से कि वो सोचते थे कि हमारे यहाँ पर्दा प्रथा ज़्यादा चलता था कि अगर लड़कियाँ बाहर निकलेंगी तो उनकी पर्दा प्रथा खत्म हो जाएगी, इस वजह से वो नहीं बाहर निकलने देते थे। बदलाव तो आना ही था, लेकिन साक्षर हो रहे लोगों की सोच में परिवर्तन किस हद तक आ रहा है? अब वो पर्दा प्रथा भी नहीं रह गई है और लड़कियों की शादी भी छोटे पे नहीं होती है। अब ये सोचते हैं कि अगर हमारी लड़की पढ़ी लिखी होगी तो अच्छे रिश्ते आएंगे और शादी भी अच्छी तरीके से होगी, और अब मुस्लिम हो क्या गैर मुस्लिम सभी लोग उसमें सर्विस करने लगी हैं, अपने बराबर का हक वो करने लगी हैं घर की। और ये सच भी है, आज जब महिलाएं साक्षर हो रही हैं तो वे अपनी लड़कियों को भी पढ़ाना चाहती हैं। आज इनमें इतनी जागरूकता आ गई है कि वे समाज में हो रही बातों की जानकारियां भी रखने लगी हैं और अपने गांव में फैल रही बुराइयों के प्रति भी वे पूरी तरह सचेत हैं। पंचायती राज व्यवस्था के तहत महिलाओं को आरक्षित कोटे के बारे में बात करने पर नसरीन बानो कहती हैं कि अगर वे सरपंच होती तो लोगों से कहती कि अच्छे काम करो, नहीं तो गाँव में नहीं रहने देंगे। हम सरपंच होते तो बहुत सारा जो है गांव के अंदर स्कूल बनवा देते और जितने निरक्षर लोग हैं सबको साक्षर कर देते, और जैसे कि बहुत लोग जुआ खेलते हैं शराब पीते हैं उनको सबको रास्ते पे लगा देते, कहते अच्छे अच्छे काम करिए वरना गांव में नहीं रहने देंगे। क्या ही रहे, यहां चल रहे साक्षरता कार्यक्रम की मंजिल सिर्फ लोगों को साक्षरता की पहली सीढ़ियां चढ़ाना नहीं है, बल्कि ऐसा वातावरण निर्माण करना है कि लोग देश दुनिया को जानें, गांव की समस्याएं और निदान के बारे में सोचें और हल को लेकर आगे आएं। तो आज के हमारे ज्ञानदीप में बस इतना ही। अगले ज्ञानदीप की कड़ी में फिर हाजिर होंगे कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार। पढ़ना।